हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आइए आज चलते हैं द ग्रैंड वेनिस मॉल। जी हाँ, परी चौक के पास है ये मॉल और बहुत ही सुंदर सा है। चलिए आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए, यहाँ से इसकी एंट्री है, एंट्रेंस है, और ये नीचे इन्होंने फाउंटेन सा बनाया हुआ है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये भी एक अट्रैक्शन है इसका, और मेन अट्रैक्शन जो है वो ऊपर चल के हम अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से ये एंट्री के लिए है। चलिए वहाँ एंट्री कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं अंदर जाके। और ये देखिए, येलो वाइब्रेंट कलर का ये बना हुआ है, और बहुत सारे मॉल्स जो होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही वेनिस का लुक देने की कोशिश की गई है। और बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, आप चाहें तो शॉपिंग कर सकते हैं, फूड कोर्ट है, खा सकते हैं, पी सकते हैं। और बहुत से स्टोर्स अभी ओपन नहीं हुए हैं जो ओपन होने हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं ये क्या है। ये है ह्यूमन वॉशिंग मशीन। इस तरह की वॉशिंग मशीन मैंने पहली बार देखी है, एंड आई एम श्योर कि आपने भी ऐसी वॉशिंग मशीन पहली बार ही देखी होगी। चलिए अब ये तो बिल्कुल ही साफ होके निकल आएंगे, तब तक हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्टोर्स हैं और क्या कुछ है खास यहाँ पे का। ये देखिए लेंस कार्ड है, और ये देखिए अंदर भी बहुत ही वाइब्रेंट कलर यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर का स्टोर है, और आगे ये जो है जो दूर से आपको दिखे ये पिज़्ज़ा की मीनार बनाई है इन्होंने, उसका लुक दिया है। और इसके अंदर स्टेयर से थोड़ी देर में हम यहाँ भी चलेंगे, पहले हम चल के देखते हैं कुछ और जो है यहाँ के बहुत ही खास। ये कश्मीर बाजार है जहाँ कश्मीर की बहुत सुंदर वेराइटीज़ लगी हुई हैं। मॉल में पहली बार अंदर है, इस तरह से आपने पानी देखा होगा और बोट्स देखी होंगी। जी हाँ, यहाँ पर होती है बोटिंग, और पूरा वेनिस का लुक दिया गया है इसको, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। ऊपर भी देखिए जो जैसे चांद की चांदनी पानी में पड़ती है वैसे ही बिल्कुल इसको बनाया गया है। ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, नाइट लुक दिया गया है, और यहाँ पे आप आके बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं मॉल में। देखिए बोटिंग के लिए मैंने टिकट्स भी पता किए थे, 300 टिकट्स है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे 400 पर पर्सन है। तो टिकट एक बार फिर मैं इनसे कन्फर्म करूँगी अभी। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था जो बहुत ही दूर से दिख रहा था, तो ये देखिए इस तरह से ये बोटिंग भी है यहाँ पे, आप कर सकते हैं आके। और बहुत ही अमेजिंग सा है ये मॉल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देखिए कलर्स कितने वाइब्रेंट और बहुत बहुत सोबर भी लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं कलर्स यूज़ किए। एक बोट वापस आई है अभी, कुछ लोग वापस आए हैं इस बोट से, और इसका मेन अट्रैक्शन तो यही है। और इस जो बोटिंग का रूट दिया गया है जो यहाँ पे बना हुआ है, लेक की इन्होंने बनाई है, उसके साइड में ही साथ में इन्होंने एक रेस्टोरेंट भी दिया हुआ है, रेस्टोरेंट भी बनाया है। और ये देखिए बोट्स कितनी सुंदर हैं, और पानी आपने मॉल में पहली बार पानी देखा होगा इस तरह से। और ये मैक्स का स्टोर है, यहाँ पे आप बिग बाज़ार में शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैक्स में शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ आप आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये फंकी है, फंकी स्टोर है, और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं। लेकिन इस मॉल की का मेन अट्रैक्शन जो है वो यहाँ की बोटिंग है। तो और यहाँ का जो आर्किटेक्ट है, यहाँ की जो डिज़ाइन है, यहाँ के जो कलर्स हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है वो ज़रूर आपको खींच के लेके जाएगी। मैं इस मॉल में गई तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हो सकता है कि अभी कोविड की वजह से यहाँ पे लोग कम आ रहे हों। और यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ था कि नो मास्क नो एंट्री, तो मास्क ज़रूर पहन के आइएगा और अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। तो चलिए अब इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बोटिंग पता कर लेते हैं पहले, ये क्या चार्जेस बताती हैं। क्या है चार्जेस? 400 पर पर्सन।
अब देखिए, अब हम ये जो पीसा की मीनार है इसके अंदर चलते हैं और ये इन्होंने स्टेयर्स दी हुई हैं। अगर आप लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इससे आप स्टेयर्स से ऊपर जा सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे इस तरह से बना हुआ है। तो चलिए हम भी चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कैसी है ये। आइए, तो ये इन्होंने इस तरह से बनाई हुई है और हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए हैं। और देखिए सामने एक और शॉपिंग के लिए आपका स्टोर आ जाएगा। तो हाँ, ये शॉपिंग कीजिए, मज़े लीजिए और सब जगह सेल भी चल रही थी तो मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग की यहाँ पे। और बस यहाँ से और ऊपर चले जाइए। इस तरह से इन्होंने पीसा की मीनार बनाई हुई है पूरी और बहुत सुंदर है। और अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं, वैसे भी है मार्केट 99 है यहाँ पे, अलग से छोटी छोटी शॉप्स बीच में बनी हुई हैं जहाँ से आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कई जगह लिखा है नो मास्क नो एंट्री, तो इस मॉल की ब्यूटी तो यहाँ की बोटिंग ही है। और ये देखिए नाइट का ये व्यू है और नाइट में कितना प्यारा लग रहा है, जो ऊपर की कलाकारी की गई है बहुत सुंदर है और बहुत डिफरेंट है। पूरा वेनिस का लुक देने की कोशिश की गई है। मैं तो वेनिस नहीं गई हूँ, अगर आप गए हो तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा बना हुआ है मॉल, लेकिन अभी उसमें रश कम है और ग्रेटर नोएडा में परी चौक के बिल्कुल पास में है, तो आप यहाँ आ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और ये है बाहर का लुक यहाँ का। और चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, और एक और नीचे उतर के भी बाहर का आपको लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप भी अगर आना चाहते हैं तो आइए, बोटिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हम फिर लेके आएंगे। थैंक यू।